सो इस पार्ट में हम आ गए हैं दलाई लामा टेम्पल। तो दलाई लामा टेम्पल बंद था तो हम वहाँ विज़िट नहीं कर पाए, लेकिन हमने उसका मार्केट एक्सप्लोर किया है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी यहाँ के मार्केट में। मेटल की चीज़ें बहुत मिलती है, बहुत सारी एंटीक चीज़ें भी मिलती हैं। सो चलिए फिर ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हिमाचली टोपी, हिमाचली टोपी ऐसे वाले भी अच्छे दिखते हैं ना। स्का स्काफ है, नो मास्क नो एंट्री। रेखा इनका रेट क्या है इसका? बहुत ही अच्छा लग रहा है। 2200 रुपए इसका। हनुमान जी है। इत्र चाहिए, ये इत्र है ना? कहाँ है ये तो? अच्छा इत्र एक हमारे पास है, हम मेरे पास है। एक सेकंड इधर आओ। ये कितने अच्छे लग रहे हैं, कुछ अच्छे हैं। नटराज नटराज यू वांट? नहीं और छोटे से गणेश जी देखो। ये है हनुमान जी, कितने प्यारे से छोटे से इनकी। ये ना क्या पता नहीं छूना, ये फूटेगा ना तो तुम पैसा ले लेंगे तुमसे। हनुमान जी ले ले, ये ले। आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। पंचमुखी हनुमान, ये पंचमुखी हनुमान कभी नहीं मिलते। बाप रे मेटल के हैं ये, एकदम सॉलिड मेटल है ये। दिस इज सॉलिड मेटल। कितने के हैं? बेटा छूना नहीं, आप ये मैडम 1800 रुपए का पीस है। अच्छा इसमें अगर प्लेन पीस लोगे ऐसा स्टोन वर्क नहीं होगा, 1500 रुपए। वो किधर है ये? नहीं ऐसा सेम ऐसा दिखने वाला, वो सस्ता है, वो 900। अच्छा ये तो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं ना। इससे भी छोटा पीस है क्या? इससे छोटे नहीं है। अच्छा ये कितना बताया आपने? ये क्या? और ये वाले कितने हैं? मैं सोच रहा हूँ वो वाले कौन से जो थोड़े से स्टोन लगे हैं। नहीं स्टोन नहीं थी अपने, यही अपने। ये देखो, ये 1500 रुपए का पीस। देखो ये वाले, ये भारी है, ये थोड़े से लाइट वेटेड है ना, थोड़े से वो कम है। देखो ना ये वाले और तो मेरे को तो ये भारी लग रहा है थोड़े से, ये हल्के लग रहे हैं। हल्के हैं ये दोनों को मिला के बताना। और ये इतने 1450 होते हैं, 1400 दे देना और क्या कर सकता हूँ। तो ठीक है भैया, वो शाइनिंग कर दो। क्या कैसे रहेंगे? अभी मेरे पास लेमन तो नहीं होगा, लेकिन मैं थोड़ा इसका फेस वगैरह कर। ठीक है पर कपड़े तो मार लेंगे। ये इत्र बहुत बढ़िया है, दिखाई थोड़ा पर ये दोनों फोटो, फोटो कैसे नहीं आएगा? नहीं बहुत पुराना सा लग रहा है। तो एंटिक है ना, वो हो जाएगा। ये नहीं मिलते हैं। अच्छा ये है। इसमें धार भी होगी क्या? नहीं अब नहीं होगी। आयरन नहीं लगाना चाहो, कार्बन आयरन है, बेस से मतलब मर्डर नहीं कर सकते। मर्डर तो ऐसा लग रहा है। ये सस्ता गोरखा वाली है। अच्छा है ना, ये प्रोडक्शन के चाबी वाला ले ले क्या? अरे ये ले लेते ना दोनों। ये यही है? नहीं नहीं ये यही है, सही में लग जाएगा। ये रख लीजिए एक। हाँ एक नहीं दो लेंगे ना। हाँ दे दो एक, खरीदो। अच्छा नहीं डैमेज भी नहीं होगा जाते जाते है ना। कपड़ों के पीछे रखे कर, जब वाइब्रेशन आएगा तो घुमाते ये देखो इसको ऐसे करते हैं। अंदर खाना नहीं बनाना है। रुको रुको रुको, इसमें भी आती है। बहुत छोटा आपका फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए आपका बैलेंस नहीं हो रहा। मैं कर लिया था, मैं कैसे 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 मैं एक मिनट दिखाता हूँ। मैं हाथ एकदम स्ट्रेट रखना है, इसको रखना है पाम पे बैलेंस करके, ये पकड़नी है पेन के जैसे। ये जो गोल्डन है रोटी है ऊपर की, जस्ट ओनली इसी पे ये रोटेशन। क्या बात है, आपने पढ़ा होगा ना साउंड में तो? नहीं मैंने देखा भी है। हाथ एकदम सीधा, क्या बात कर रहे हो। क्या था ये? हार्मनी तो ये यहाँ। अच्छा अच्छा पेन कैसे पकड़ते हो ना? कैसे रिवर्ब होता है ना, उसको शेप पे बनाया था रिवर्ब ज्यादा। धीरे धीरे आ रहा है, आ रहा है दोनों हाथों।
आया ये मेडिटेशन बॉल होता है, ये तो बेसिक बॉल है, इसमें अगर आप थोड़ा अच्छा क्वालिटी का बॉल बजाओगे तो बड़ा दिन एक बड़ा ये टूरिस्ट के लिए बनाया जाता है बॉल, इसमें बेसिक काम आता है, लेकिन इसके जो ऑथेंटिक पीसेस होते हैं ऑथेंटिक पीसेस से आवाज सुनो इसके छोटे पीसेस होते हैं 3,000, 3,500, 3,500। ये हैंडमेड घंटियां होती हैं, ये भी 7 मेटल की है, इनका साउंड एकदम, इसको प्ले भी कर सकते हो आप, शार्प साउंड आएगी, माइंड अवेक करने वाली, किसी का बड़ा वर्जन आता है इनमें, जो लोकल बेल होते हैं जो पूरे बाजार में मिलते हैं वो ऐसे ऐसे होते हैं, और ये क्या होता है भैया? जैसे त्रिशूल होता है, वज्र बोलते हैं, वेपन है भगवान के हाथ में रहने वाला। बिल क्या है भैया? रहते भी होंगे, लगा के देख ले कान में, कौन सा कलर चाहिए तेरे को? मेरे को सिल्वर। ये खुलेगा और अपने आप कान में आ जाएगा, साइज देख लेना, इससे बड़ा भी चाहिए तो इसे बड़ा नहीं, 12 सेंटीमीटर बहुत बड़ा हो जाएगा, ये तो अभी वो कंगन है, सीधे पहना के देख लो, बेटा खड़े रहो ना, कहाँ जाना है तुम्हें? ये जीजू के पास जाने को कह दिया, हाँ तो छोड़ा हो ना, कैसे दिख रहा है रेखा ही है राहुल ने? नहीं ठीक, पहले वाला बेटर था, चाहते हैं ये जो नहीं के अलाउड है सारे होते तो हट जाएगा, क्या बात कर रहे हो, ये आपसे हल भी नहीं खुल गया, नेहा भी घूम के आई है यहाँ, पूछते ही नहीं थे दलाई लामा टेम्पल से चौक की तरफ जाते हैं, जब आप मार्केट एक्सप्लोर करते हुए तो आपको एक टेम्पल और मिलता है जो ये है टेम्पल। इस टेम्पल के भी अंदर हम नहीं जा पाए क्योंकि इसमें नो एंट्री का बोर्ड लगा था, तो भी हमने इसे बाहर से एक्सप्लोर किया, अब हम इसके पीछे वाली लाइन को एक्सप्लोर करेंगे। सो टेम्पल के पीछे भी एक लाइन है जहाँ पे आपको बहुत सारे क्लोथिंग्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है 4 सीजन आई गेस, उसका एम्बियंस बहुत अच्छा है, फूड बहुत डिलीशियस है। सो वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई उसका, पर मैंने ये फ़ोटोज़ ऐड किए हैं, एम्बियंस इतना अच्छा था कि अब हम वीडियो ले ही नहीं पाए और फ़ोटोज़ में बिज़ी हो गए। यहाँ हमने ये ट्राई किया, बहुत डिलीशियस था, मोमोज बहुत डिलीशियस है यहाँ के, सो आप कभी भी अगर आते हैं तो यहाँ ज़रूर विज़िट करिएगा, बहुत डिलीशियस फूड है इनका। सो उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही फिर अगेन आपको ऐसे स्टॉल्स मिलेंगे जहाँ बुलेट चीज़ें रखी रहती हैं, तो अगर आपके एरिया में भी बहुत ठंड होता है तो आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें परचेस कर सकते हैं बहुत अच्छे रेट में, बहुत
अच्छी चीज़ें मिलती है, क्वालिटी बहुत सुपर होती है इनकी। मैं ज़्यादा वुलन नहीं ली क्योंकि मैं गुजरात में हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्पॉट की तरफ, वो है वॉर मेमोरियल। तो ये वॉर मेमोरियल याद है एक्चुअल में बहुत सारे सोल्जर्स की, आप कह सकते हैं जो जो ऑपरेशंस यहाँ पे कंडक्ट हुए उनकी याद में बनाया गया है ये। तो ये भी एक विजिट करने वाली जगह है। और ये है रिंकी मोचक, ये हमेशा मेरे कैमरे में सामने ही आती है। नहीं रिंकी। और ये है आप यू छटक घू। राहुल अभी की फोटो खींच दो ना, बोलो मामा मेरी फोटो खींच दो। कहाँ गए? बोलो बोलो कहाँ गए? आ रहे हैं। फोटो किसकी? शक्ल दिखाओ ना। अच्छा आ रहा है ना, तो साइड से ले। इंडिया ले लिया, वहां से भी जाके ले लूंगी। और क्या लगता है तेरे को? तो मैं नहीं है यार, जुड़ा हुआ है वो देख। वो इस शेप का बनाए हैं। हाँ ये देखना जुड़ा हुआ तो नहीं। नहीं वहाँ नहीं है, नहीं जाना है। शेप रिंकी शेप नहीं है, ये बनाया हुआ है। यहाँ से नहीं जाना, यहाँ से बेटा वो अभी वो किया है बहुत बड़ा। नेक्स्ट हम आ गए हैं टी गार्डन में, और ये टी गार्डन पहले बहुत यूज़ होता था, यहाँ टी फैक्ट्री भी थी, अब नहीं है। और ये जस्ट अ गार्डन बना दिया गया है लोगों के विज़िट करने के लिए। और सीरियसली लाइटिंग में अगर आप डे लाइट में यहाँ विज़िट करें तो बहुत अच्छा लगता है, और यू कैन स्मेल इट आउट, मतलब अच्छा है, फीलिंग अच्छी आती है। तो आप अगर आएँ तो आप यहाँ भी विज़िट कर ही सकते हैं। ये है धर्मशाला स्टेडियम, और ये एक टूरिस्ट पॉइंट भी बन चुका है क्योंकि ये धौलाधर माउंटेन से घिरा हुआ है। और यहीं आपने बहुत सारी मैचेस देखी होंगी, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ टिकट लगती है सिर्फ 30 रुपीज की। व्यू बहुत अच्छा है, और आपने ये सब क्रिकेट मैच में देखा ही होगा टीवी पे। ये आज हम लाइव देख रहे हैं, तो मैंने सोचा आपको भी चलिए ये लाइव दिखा देते हैं हम। सो दैट्स इट, हम अपना व्लॉग यहीं एंड कर रहे हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, एंड बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। टिल देन बाय।